खबरों की। लॉकडाउन और कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बेगूसराय के द्वारा संरक्षक सह पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल, संरक्षक रामचरित्र सार महासचिव गोपाल प्रसाद सोनी, पूर्व पार्षद जयंत कुमार अग्रवाल, अनीता राय, कार्यकारिणी सदस्य बसपा महामंत्री राजकुमार जी, शेखर कुमार के द्वारा आज भी लगातार गरीब, निस्सहाय, दैनिक मजदूर, विकलांग, विधवा, लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड और आधार कार्ड के माध्यम से लगभग 200 परिवारों को खाद्यान्न राहत सामग्री प्रदान की गई। बाजार से दवा लेकर घर लौट रहा युवक बाइक से गिरकर हुआ घायल, पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश सिंह ने पहुंचाया अस्पताल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने विधायक दिनेश मरांडी से जाना क्षेत्र का हाल। विधायक ने गरीबों की अनाज बढ़ाने की दी सुझाव, दीदी किचन के संख्या में वृद्धि करने की मांग की। नगर पंचायत के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के कथित दुर्व्यवहार एवं उनके साथ मारपीट किए जाने के विरोध में जिला मुख्यालय के दुकानदारों ने हड़ताल की। बालूमाथ पुलिस की अपील, सोशल मीडिया पर शेयर ना करें भड़काऊ पोस्ट, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई। इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस और लॉकडाउन जैसी समस्या उत्पन्न को देखते हुए अझरिया विधानसभा 37 के वार्ड पार्षद शैलेंद्र कुमार सिंह ने शिमला बगल बस्ती के सैकड़ों गरीब मजदूरों के बीच राशन सामग्री वितरण किया। बेगूसराय जिले के अनुमंडल क्षेत्र के डंडारी थाना अंतर्गत कटहरी गांव में रविवार की सुबह लगभग 5 बजे तक 70 वर्षीय वृद्ध की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। लॉकडाउन में पुलिस मरीजों पर भी चटका रही है लाठियां। सिवान में पुलिसिया पिटाई से बेहोश एक युवक को इलाज के लिए उसकी मां ने किसी तरह से सदर अस्पताल सिवान लेकर पहुंची। कोरोना वायरस से लड़ें, साफ सफाई बरतें, बीमार लोगों से मिलने से पहले परहेज करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क लगाकर निकलें, पब्लिक प्लेस पर जाने से परहेज करें, किसी भी वस्तु को छूने से पहले और छूने के बाद सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। आरपी भारत की एक शुरुआत कोरोना वायरस के खिलाफ। लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड में अचानक आई तेज आंधी तूफान से एक घायल। लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड में बीती शाम को अचानक आई तेज आंधी तूफान से बालूमाथ के दिवाकर नगर में लाल खुशबू आइसक्रीम फैक्ट्री के पास नागेश्वर ठाकुर उम्र 49 वर्ष एक घर से उड़कर आए अल्बस्टर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। एक तरफ जहां लोगों के बीच कोरोना को लेकर दहशत सा माहौल बना हुआ है, वहीं हमारे किसान भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खेतों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच अनाज की कमी ना हो। गरवान पंचायत में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा है पालन, पेयजल के लिए लग रही है भीड़। वैश्विक कोरोना महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसायटी पत्रकारगण सम्मान हेतु एवं सफाईकर्मी सम्मान हेतु खुद बंगला चौक बनारसी पान दुकान के समीप लोगों को सम्मानित किया गया। जम्मू जिले में चर्चित संतोष हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर हुआ खुलासा, मृतक की पत्नी प्रेमी संग गिरफ्तार। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर होगी एफआईआर, एसडीपीओ सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा है ख्याल। बेगूसराय जिले में 40 और 63 वर्ष के 2 पुरुष में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसकी पुष्टि डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने की है। पटना में कारगिल चौक पर कई लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते नजर आए। इसी क्रम में गांधी मैदान थाना प्रभारी सुनील कुमार ने मोटरसाइकिल सवार लोगों को पकड़ा और सख्ती से पेश आए, उन्हें सड़क पर उठक बैठक भी करवाया। हेलो दोस्तों, क्या आप लोग सच में न्यूज देखना चाहते हैं? मैं भी देखना चाहती हूँ झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को, लेकिन टीवी पर आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर नहीं मिलेगी। तो झारखंड से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अभी YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए आरपी भारत को और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए। आरपी भारत, जहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को।